नमस्कार। ब्रेकिंग सिस्टम की जो पार्ट वन हमने देख लिया है उसमें हमने इतना समझ लिया था कि पूरे एमआर की सप्लाई और बीपी की सप्लाई पूरे कोच में आ चुकी है हमारे पास। अब हम देखेंगे आज के इस पार्ट में कि एमआर और बीपी की सप्लाई आने के बाद हर एक कोच में जो ये हमारे B02 B01 BCUs लगे रहते हैं, ये किस तरह से जो है इसके अंदर क्या क्या लगा होता है, फ्लो जो है पहले कहाँ से कहाँ जो है एयर का जाएगा और फिर जो है ब्रेकिंग सिस्टम जो है पूरी गाड़ी का हम देख लेंगे। तो पहले चलते हैं आपको इसका जो है जो न्यूमेटिक सर्किट डायग्राम है वो थोड़ा सा समझा देते हैं। एक कोच के न्यूमेटिक सर्किट को समझने के लिए हम देखेंगे किस तरह एयर स्प्रिंग, ब्रेकिंग सिस्टम, पार्किंग ब्रेक्स आपस में जुड़कर कार्य करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये ब्रेकिंग सिस्टम रहेगा लोड डिपेंडेंट, चाहे वो इलेक्ट्रोन्यूमेटिक ब्रेक्स हो, इमरजेंसी ब्रेक्स हो या प्योरली बीपी द्वारा लगने वाले न्यूमेटिक ब्रेक्स हो। इसलिए हम एयर स्प्रिंग्स का इस्तेमाल करेंगे गाड़ी का लोड या वेट पता करने के लिए। ध्यान दें कि ये पार्किंग ब्रेक्स लोड पर डिपेंड नहीं करते हैं क्योंकि ये स्प्रिंग से लगते हैं। आइए पहले ओवरव्यू देख लें। ये है एमआर की मेन लाइन, ये पीली है बीपी की मेन लाइन, नीचे यहाँ स्किड में लगा ये B07 है जिसे हम पिछले वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं। ये है B01 बॉक्स, ये है B02 बॉक्स, ये B03 जिसे BCU1 कहेंगे, ये B04 जिसे BCU2 कहेंगे। दोनों बिल्कुल सेम हैं, बस BCU1 हमारी बोगी 1 की ब्रेक्स कंट्रोल करेगा और BCU2 हमारी बोगी 2 की ब्रेक्स कंट्रोल करेगा। ये है LV बॉक्स बोगी 1 के लिए, ये है LV बॉक्स बोगी 2 के लिए। इस तरफ है एयर स्प्रिंग का सर्किट बोगी 1 का और इस तरफ है एयर स्प्रिंग सर्किट बोगी 2 का। आइए ध्यान लगाकर देखते हैं न्यूमेटिक सर्किट की इस पजल को, जिसको समझने के लिए ये जान लीजिए एक PCU कंट्रोल करेगा एक बोगी की ब्रेकिंग और एक ही LV बॉक्स रहेगा जो एक बोगी के दोनों एयर स्प्रिंग्स पर नजर रखेगा। यानी एक कोच में टोटल रहेंगे 2 PCU, 2 बोगी, 2 LV बॉक्सेस और 4 एयर स्प्रिंग्स। शुरुआत होती है यहाँ से, MR की मेन लाइन से सप्लाई आती है यहाँ B01 बॉक्स में। ये L01 है आइसोलेटिंग कॉक, इस कोच के पूरे एयर स्प्रिंग सर्किट को आइसोलेट करने को। इसके बाद L02 है एयर फिल्टर, इसके बाद L03 है बहुत इंपॉर्टेंट ओवरफ्लो वाल्व, जिसकी सेटिंग 7.5 बार पर की गई है। आइए समझ लेते हैं ओवरफ्लो वाल्व। इसमें चेक वाल्व भी अंदर लगी रहती है। ये वाल्व सेट है 7.5 बार पर, जिसे कहा जाता है इसका वाल्व ओपनिंग प्रेशर। मानिए इसका इनलेट ये है और इसका आउटलेट ये है, तो ये ऐसे काम करती है कि मान लीजिए इनलेट पर प्रेशर 3 बार है तो आउटलेट पर कोई भी प्रेशर नहीं जाएगा, या अगर इनलेट पर 6.5 बार का प्रेशर होगा तो भी आउटलेट पर कोई भी प्रेशर नहीं जाएगा। लेकिन जब इनलेट पर प्रेशर 7.5 बार या इससे ज्यादा होगा, केवल तभी आउटलेट पर भी उतना ही प्रेशर जाएगा। लेकिन ऐसी वाल्व को आखिर यूज क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए कि अगर कोई भी एयर स्प्रिंग वेलो बर्स्ट या हैवी लीकेज होता है तो MR का प्रेशर लगातार गिरता चला जाएगा, जिसकी जरूरत हमें है ब्रेकिंग और ट्रैक्शन में, तो वहां आ जाएगी दिक्कत। ऐसी कंडीशन में ओवरफ्लो वाल्व द्वारा MR 7.5 बार या उससे नीचे पहुंचते ही MR सप्लाई को एयर स्प्रिंग सर्किट से अलग काट देगा एवं MR को इससे नीचे नहीं गिरने देगा। यानी MR जब 7.5 बार से ज्यादा होगा तभी एयर स्प्रिंग सर्किट में सप्लाई भेजेगा। आगे बढ़ने पर लगा है L05 टेस्ट पॉइंट, जिससे मैन्युअली हम प्रेशर नाप सकते हैं। इसके बाद यहाँ से निकलकर एक तरफ प्रेशर चला जाता है 75 लीटर के एयर रिजर्वायर में। यानी ये वाला रिजर्वायर केवल एयर स्प्रिंग के लिए ही है। इसके बाद ये प्रेशर यहाँ से चला जाएगा दो तरफ, एक यहाँ बोगी 1 के एयर स्प्रिंग्स के लिए, एक यहाँ बोगी 2 के एयर स्प्रिंग्स के लिए। नीचे देख लेते हैं बोगी 1 का सर्किट।
तो प्रेशर अब आ जाता है LB बॉक्स के अंदर, यहाँ जहाँ लगी है L06 जो कि एक आइसोलेटिंग कॉक है विद फीडबैक बोगी 1 के एयर स्प्रिंग्स की। यहाँ से निकलकर यहाँ से प्रेशर बढ़ जाएगा राइट साइड और लेफ्ट साइड की एयर स्प्रिंग के लिए। यहाँ आगे ये है लेवलिंग वाल्व राइट साइड की, जिसका काम रहेगा आगे एयर स्प्रिंग में प्रेशर भेजकर या निकालकर कोच की हाइट मेंटेन करना। इसके बाद प्रेशर जाएगा L09 में जो है एयर स्प्रिंग राइट साइड का। यहाँ से निकलकर प्रेशर पहुँचेगा राइट साइड के सर्ज रिजर्वायर में जो 50 लीटर का है। आगे चलकर प्रेशर यहाँ रुका रहेगा, लेफ्ट साइड की तरफ बढ़े तो ये है लेवलिंग वाल्व लेफ्ट साइड की। इसके बाद प्रेशर जाएगा इस एयर स्प्रिंग में जो लेफ्ट साइड पर है। यहाँ से निकलकर प्रेशर पहुंचेगा लेफ्ट साइड के सर्ज रिजर्वायर में, ये भी 50 लीटर का है। इसके बाद दोनों साइड के प्रेशर आकर रुकते हैं यहाँ डिफरेंशियल वाल्व पर, जिसकी सेटिंग 1.5 bar पर की गई है। क्या कार्य करता है डिफरेंशियल वाल्व, आइए देखते हैं। नॉर्मली बोगी के राइट साइड के एयर स्प्रिंग से आया ये प्रेशर और लेफ्ट एयर स्प्रिंग से आया ये प्रेशर यहीं रुका रहता है क्योंकि ये वाल्व बंद रहती है। लेकिन अगर कोई एक भी प्रेशर में हैवी लीकेज या बस्ट होता है तो एयर स्प्रिंग हाइट में अंतर आने से कोच टिल्ट हो सकता है। ऐसी कंडीशन में मानिए इधर का प्रेशर 4.5 bar है और इधर का 2.0 bar है, तो डिफरेंशियल वॉल का कार्य रहता है कि अगर दोनों साइड के प्रेशर का अंतर 1.5 bar या उससे ज्यादा हो जाएगा तो यह वॉल्व ओपन हो जाएगी और प्रेशर ज्यादा वाली साइड से दूसरी तरफ जाएगा और लीकेज से बाहर निकल जाएगा एवं कोच टिल्ट नहीं होगा। अब वापस चलें तो इधर आता है L08 टेस्ट पॉइंट। इस तरफ लगा है राइट साइड के एयर स्प्रिंग का प्रेशर सेंसर जो TCMS पर उसका प्रेशर शो करता है, फिर प्रेशर यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही लेफ्ट साइड में भी लगा है टेस्ट पॉइंट और प्रेशर सेंसर जो TCMS पर लेफ्ट साइड के एयर स्प्रिंग का प्रेशर दिखाएगा। इसके बाद लेफ्ट साइड का प्रेशर भी पहुंच जाता है यहाँ L15 पर जो है मीन प्रेशर वाल्व। आइए देखते हैं मीन प्रेशर वाल्व का काम। इस तरफ से आता है राइट साइड के एयर स्प्रिंग का प्रेशर, इस तरफ से आता है लेफ्ट साइड के एयर स्प्रिंग का प्रेशर। तो मीन प्रेशर वाल्व का काम है इसके आउटलेट पर एक ऐसा प्रेशर एम बनाना जो एवरेज हो दोनों एयर स्प्रिंग के प्रेशर्स का। यानी अगर राइट एयर स्प्रिंग का प्रेशर है 4.0 bar और लेफ्ट एयर स्प्रिंग का प्रेशर है 3.0 bar तो मीन प्रेशर वॉल्व के आउटलेट से इनका एवरेज यानी 3.5 bar निकलेगा। ये है एक बोगी पे एवरेज लोड या वेट। तो जब हम बात करते हैं कि वंदे भारत में लोड डिपेंडेंट ब्रेकिंग है तो ये जो लोड या वेट है उसके पैमाने के लिए यही मीन प्रेशर का हम इस्तेमाल करेंगे। वापस आते हैं तो मीन प्रेशर वॉल्व से निकला ये प्रेशर चला जाएगा यहाँ, साथ ही इस टी जॉइंट से निकलकर चला जाएगा LB बॉक्स में लगे टेस्ट पॉइंट पर। फिर आता है L13 जो है प्रेशर गवर्नर जो मीन प्रेशर पर नजर रखेगा। इसकी लिमिट सेट है 1.8 से 1.5 bar, यानी अगर मीन प्रेशर 1.8 bar के ऊपर रहता है तो ये प्रेशर गवर्नर सिस्टम को हेल्दी मानेगा। लेकिन अगर मीन प्रेशर 1.5 bar से नीचे डिटेक्ट कर लेता है तो ये प्रेशर गवर्नर सिस्टम को फेल या लीकेज समझेगा और इसकी जानकारी TCMS को देकर गाड़ी की मैक्सिमम स्पीड को ऑटोमेटिकली 60 kmph पर सेट कर देगा। नीचे देखें तो ये मीन प्रेशर आगे जाता है यहाँ पहुँचता है B02 पर। इसी तरह दूसरी ट्रॉली के मीन प्रेशर वॉल से निकला प्रेशर भी आ जाता है यहाँ B02 में। यानी B02 पर हमको मिल चुके हैं मीन प्रेशर दोनों बोगीज के, या कहें दोनों बोगीज के लोड। जो एयर स्प्रिंग का सर्किट है जो मैंने अभी आपको समझाया है
कि एयर स्प्रिंग वाला पार्ट जहाँ पे शुरुआत जो है सर्किट के हम एयर स्प्रिंग के जो है आके जो है कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि MR से सबसे पहले हम एयर स्प्रिंग के लिए सर्किट में जो है B01 के लिए MR की सप्लाई आ जाएगी। तो अंडरग्राउंड में चल के दिखाता हूँ कि वो पाइप कहाँ पे लगा हुआ है। आइए अब देखिए अंडरग्राउंड में हम आ चुके हैं, तो मैं ऊपर को आपको दिखाऊँ। तो ये वाला हमारा जो है MR का पाइप रहेगा, इसमें से आप देख रहे हैं यहाँ पे टी जॉइंट लिए गया हमने, यहाँ से एक जो है सप्लाई ले ली है जो कि मेरे आ जाती है यहाँ तक। अगर मैं इन दोनों पाइप्स को देखूं, ये यहाँ पे आती है, तो ये जो मेरा पोर्शन है ये B01 के पीछे है। तो मैं बात करता हूँ कि MR के अंदर जो MR की सप्लाई है B01 के अंदर आ रही है एयर स्प्रिंग के लिए, ये है पोर्ट नंबर 2 पे। तो ये वाला रहेगा हमारा जिससे B01 के अंदर MR की सप्लाई आएगी। अब B01 के अंदर MR की सप्लाई आ चुकी है। B01 खोल के आपको दिखाता हूँ कि जो कंपोनेंट्स मैंने अभी चार्ट पे आपको दिखाए थे वो कहाँ कहाँ पे हैं। ये रहा हमारा B01 बॉक्स जिसमें MR की सप्लाई पीछे से आ चुकी है। देखिए सबसे पहला जो कंपोनेंट मैंने आपको दिखाया था L01, वो है ये आइसोलेटिंग कॉक, जिससे इसको आइसोलेट करने पर जो एयर स्प्रिंग का जो पूरा सर्किट आपको दिखाया था उसमें सप्लाई जानी बंद हो जाएगी। ठीक है, अब एक और गौर करने वाली चीज़ यह है कि इसके ऊपर कोई भी कनेक्टर नहीं लगा है, यानी अगर आप यहाँ से इसको आइसोलेट करते हैं तो TCMS पर कहीं नहीं पता चलेगा कि ये वाली कॉक आइसोलेट है। इसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट उसमें था आपका L02 जो कि ये है, इसके बगल में लगा एक छोटा सा फिल्टर कंपोनेंट है जिसकी हमको सबको पता है ऑलरेडी कि फिल्टर करना, यानी जो इसमें गंदगी जो है अगर कंप्रेस्ड एयर में है उसको जो है सेपरेट करना इसका काम रहेगा। इसके बाद यहां से निकल के अंदर ही अंदर इस स्किड में अंदर ही अंदर स्लॉट्स कटे रहते हैं, इसके बाद सप्लाई आ जाएगी कंप्रेस्ड एयर की मेरा L03 कंपोनेंट पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारी है ओवरफ्लो वॉल्व है, इसके ऊपर आप देख रहे हैं एक जो है यहाँ पे एक बोल्ट दिया हुआ है, ये बोल्ट इसकी जो वैल्यू हमने सेट कर रखी है उसके लिए यहाँ पे दिया रहता है। जितनी भी PRVs है या जितनी भी जो है इस तरीके की वॉल्स होती है ओवरफ्लो वॉल्व है या फिर ये STV में भी दिया रहेगा, तो ये इनकी वैल्यू जो हम सेट करके हैं बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको 7.5 bar पे हमने सेट किया हुआ है ओवरफ्लो वॉल्व को। इसके अंदर एक तो जो है NRV जो है लगी हुई है, दूसरी चीज NRV इसमें इनबिल्ट लगी हुई है, दूसरी चीज जब आपका MR मान लीजिए 0 है, अब MR आपने मेन कंप्रेसर चालू किया बनाना, तो सप्लाई को जो है वो एकदम से एयर स्प्रिंग के सर्किट में नहीं भेजेगा, ये ओवरफ्लो वॉल्व ही है वो क्या करेगा, जब तक MR की वैल्यू बढ़ते 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 7.5 नहीं होगी, 7.5 से पहले वो एयर स्प्रिंग के सर्किट को MR की सप्लाई नहीं भेजेगा। जब आपका प्रेशर 7.5 bar से ऊपर हो जाएगा तब ये वॉल्व जो है ओपन हो जाएगी ऑटोमेटिकली, और फिर जो है सप्लाई जो है आपके एयर स्प्रिंग के सर्किट में जानी चालू हो जाएगी। तो यही चीज़ आप देखिएगा कभी अपने जो एयर स्प्रिंग के रिजर्वायर्स हैं उनको खाली कीजिएगा और MR बिल्कुल 0 रखिएगा, और उसके बाद जो है MR बनाना चालू कीजिए तो 7.5 bar के अप्रॉक्स जो है उसकी टॉलरेंस भी होती है, तो 7.5 bar के अप्रॉक्स जो है आके आपका प्रेशर जो है बढ़ना जो है रुक जाएगा। वो इसलिए क्योंकि अब जो है वो एयर स्प्रिंग के सर्किट को फीडिंग कर रहा है, एयर स्प्रिंग के टैंक को जो है फीडिंग दे रहा है। इसके बाद यहाँ के बाद लगा है यहाँ पे L05 जो कि है एक टेस्ट पॉइंट। मैन्युअली प्रेशर आपको अगर जो है चेक करना है उसके सर्किट में तो ये रहता है। इस टेस्ट पॉइंट के बाद जो हमारी कंप्रेस्ड एयर है वो चार्ट पे हमने आपको दिखाया था कि एक तो जो है नीचे मेन सर्किट में चली जाएगी, लेकिन उसके बीच से भी एक जो है टी लगा के, टी एक्चुअली बाहर नहीं है, इसी के अंदर वो पार्ट है B01 के अंदर, वहां से एक सप्लाई चली जाती है आपकी एयर स्प्रिंग के लिए जो रिजर्वायर दिया हुआ है। तो वो फिर से मैं आपको इसके अंडरगियर के अंदर चल के जो है दिखा देता हूँ कि उसके कनेक्शंस कहाँ से हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि B01 से जो ये यहाँ पे जो इस तरफ को दिया हुआ है इस पे पोर्ट नंबर 4 यहाँ पे लिखा हुआ है, पोर्ट नंबर 4 पे निकल कर जो है ये इस तरीके से ऊपर चला जाएगा और ये सप्लाई आपकी चली जाएगी आगे, आपके चली जाएगी ये जो दो रिजर्वायर्स लगे हुए हैं इसमें से एक रिजर्वायर के सामने से। अगर आप बाहर से देखेंगे तो ऊपर से आपको इसके कनेक्शन बहुत ईजिली दिख जाएंगे। अब सबसे बड़ा डाउट जो है जो स्टाफ का रहता है कि ये हमारे पास गाड़ी में जो है दो रिजर्वायर दिए हुए हैं, तो इसमें से कौन सा जो है एयर स्प्रिंग का है। इसकी पहचान मैं आपको जो है बता देता हूँ कि जो एयर स्प्रिंग का रिजर्वायर है
उसमें केवल एक तरफ से आपको जो है न्यूमेटिक पाइप का इनपुट दिखेगा, दूसरी तरफ से उसमें कुछ भी नहीं होता है। जैसे इस तरफ अगर मैं देखूं, एक जो है डमी बोल्ट यहाँ पे लगाया हुआ है, इसे केवल जो है उस साइड से है आपके पास पे सप्लाई है। सप्लाई पहले वो जो है जब जो है चार्ज होना होगा तो चार्ज होगा, और जरूरत पड़ने पर वो जो है वापस जो है एयर स्प्रिंग को जो है वहां से सप्लाई देगा। तो दूसरी तरफ अगर मैं देखो, इसके बारे में थोड़ा देर में डिस्कस कर लेंगे, पर इस पर अगर आप देखो यहाँ भी जो है इसके पास जो है एक न्यूमेटिक लाइन है और दूसरी तरफ से भी है, तो ये ब्रेकिंग सिस्टम का जो है वो रिजर्वायर रहेगा। इसके बाद मैंने आपको दिखाया था कि एक तरफ से जो है वो टैंक के अंदर सप्लाई चली जाती है, और नीचे से जो निकल रही है वो निकलती है आपकी जो B01 के नीचे ये पोर्ट नंबर 11 बना हुआ है, ये यहाँ से जो है सप्लाई जो है निकल जाएगी। और इसके ऊपर अगर आप देखो, ये चली जाती है यहाँ जो है ऊपर, और यहाँ पे जो है वो टी लगा है जहाँ से डिवाइड हो जाएगी एक बोगी 1 के लिए एक बोगी 2 के लिए। तो मतलब बोगीज की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये सप्लाई इस तरफ से आते हुए आ जाएगी आपके LB बॉक्स के अंदर, LB बॉक्स के अंदर जो है यहाँ पे सप्लाई आ जाएगी B01 से निकलकर। मैंने आपको बताया था दो ट्रॉलीज के लिए, बोगी 1 के लिए और बोगी 2 के लिए जो है सप्लाई यहाँ से चली जाएगी। तो बोगी 1 की तरफ जब मैं बात करता हूँ तो सप्लाई आती है LB बॉक्स के अंदर। LB बॉक्स के अंदर क्या रहेगा, एक ट्रॉली का ये LB बॉक्स रहेगा एक ट्रॉली के लिए। सबसे पहला जो कॉम्पोनेंट यहाँ पे पड़ता है वो पड़ेगा L06। L06 आपको दिखाऊं, ये है L06 जो कि है एक आइसोलेटिंग कॉक विद फीडबैक। यानी अगर आप इस आइसोलेटिंग कॉक को आइसोलेट करते हैं तो आपके TCMS के पास जानकारी जा रही है कि मेरी ये वाली कॉक आइसोलेटेड है। अगर आप इसको जो है, आपको लगता है कि इस तरफ की बोगी में जो है कहीं भी लीकेज है, तो इसको जो है आइसोलेट करने के, यानी अगर आपको एक ट्रॉली के जो है एयर स्प्रिंग आइसोलेट करने हैं तो आप इस कॉक को जो है आइसोलेट कर देंगे। इसके बाद सप्लाई वापस जो है नीचे निकल जाती है और आगे जो है आ जाएगी और डिवाइड हो जाएगी एक इधर वाले एयर स्प्रिंग के सिस्टम के लिए और एक दूसरे साइड के जो है, यानी राइट साइड के जो है एयर स्प्रिंग के लिए। देखिए मैं आपको वही बता रहा हूँ कि LB बॉक्स से जो आउटपुट की लाइन है, ये रही वो लाइन जो कि यहाँ से चली जाएगी आगे और फिर जो है राइट साइड और लेफ्ट साइड के एयर स्प्रिंग के लिए यहाँ से हो जाएगी डिवाइड। इसके बाद आपका जो है सप्लाई आएगी आपके लेवलिंग वॉल पे, कि इसी का काम है कि कोच की जो हाइट है उसको जो है मेंटेन करना, या तो प्रेशर अगर जो है दब रहा है तो ज़्यादा प्रेशर जो है बेलो में सप्लाई करना, और अगर जो है हाइट जो है ज़्यादा हो रही है यानी प्रेशर जो है उसके अंदर ज़्यादा है तो उसको जो है एग्जॉस्ट कर देना जो है एनवायरनमेंट में, ताकि जो एयर स्प्रिंग है वो वापस जो है अपनी जो है रिक्वायर्ड हाइट पे आ जाए। लेवलिंग वॉल के बाद जो अगला कंपोनेंट पड़ेगा वो पड़ेगा L09 जो कि मैं एयर स्प्रिंग का बेलो। फिर एयर स्प्रिंग से जो रिटर्न पाइप आता है वो है आपकी ये वाली लाइन, ये जो ऊपर से इस तरफ से आ रही है ये वाली लाइन आपकी एयर स्प्रिंग से आ रही है। ये सप्लाई एक तरफ चली जाती है आपके सर्ज रिजर्वायर में। तो एयर स्प्रिंग से निकलने के बाद जो टी जॉइंट पड़ता है उससे एक तरफ को सप्लाई चली जाती है हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट में, जिसको बोलते हैं सर्ज रिजर्वायर। ये 50 लीटर्स का टैंक आपने देखा होगा, एक ये इस तरीके से जो है ये दिखते हैं। तो एक टैंक राइट साइड के स्प्रिंग का है, एक टैंक लेफ्ट साइड के स्प्रिंग का है, एक ही बोगी के लेफ्ट साइड और एक ही बोगी के राइट साइड। सर्ज रिजर्वायर सडन अगर कोई जो है डिमांड एयर स्प्रिंग की जो है कुछ आती है तो उसको जो है कंपनसेट करने के लिए, ताकि जो है स्टडी स्टेट आने में जो है ज्यादा टाइम ना लगे, उसके लिए यहाँ पे सर्ज रिजर्वायर दिया गया है। देखिए सर्ज रिजर्वायर से निकलने के बाद आप अगर चार्ट देखेंगे तो उसके बाद एक कॉम्पोनेंट लगा है जो कि है हमारी डिफरेंशियल वॉल्व। बहुत इंपॉर्टेंट ये वॉल्व है, तो एक तो चार्ट भी अगर आप क्लियर रखें, सर्ज रिजर्वायर के बाद लगा है ये राइट साइड का सर्ज रिजर्वायर, ये लेफ्ट साइड का सर्ज रिजर्वायर। तो मैंने आपको बताया था कि दोनों की जो आउटपुट आते हैं उसके बाद ये डिवाइस जो है हमारा लगा रहेगा डिफरेंशियल वॉल्व। इसको मीन वॉल्व से जो है कंफ्यूजन ना करें, सिंपल सा फंडा ये है, इसमें केवल जो है इसके दो इनपुट्स हैं, इस पे कोई भी तीसरा जो है यहाँ पे न्यूमेटिक पाइप आपको नहीं देखने को मिलेगा। डिफरेंशियल वॉल्व क्यों यूज करते हैं, मैंने आपको बताया अगर एक तरफ का एयर स्प्रिंग बस्ट हो जाता है या उसमें बहुत ज़्यादा हैवी लीकेज होता है तो कोच जो है एक तरफ टिल्ट होने की टेंडेंसी में आ जाएगा। तो ऐसा ना हो उससे बचने के लिए क्या रहता है कि नॉर्मल कंडीशन में डिफरेंशियल वॉल्व बंद है,
इसके पास अपना अपना प्रेशर रहेगा, इसके पास अपना अलग प्रेशर रहेगा। लेकिन जब ऐसा इस तरीके का केस होता है, हैवी लीकेज या कोई बेलो बस्ट होता है, उस कंडीशन में प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा। और अगर प्रेशर डिफरेंस 1.5 kg से ज़्यादा का हो जाएगा तो ये वॉल्व ओपन हो जाएगी, और जिस सर्ज रिजर्वायर में या फिर जिस एयर स्प्रिंग में प्रेशर ज़्यादा है, उस साइड से प्रेशर जो है दूसरी तरफ रश करना चालू करेगा। अब क्योंकि कॉन्टीन्यूअस लीकेज हो रही है तो वो जो है अपना एयर प्रेशर उस तरफ को लूज कर देगा, और धीरे धीरे जो है एयर स्प्रिंग आपका जो है या तो बराबर पे आ जाएगा या तो जो है खाली हो जाएगा, और दोनों एयर स्प्रिंग की हाइट हो जाएगी बराबर और कोच टेंटिंग नहीं होगी। अब इतना सिस्टम जो है हमारा अप्रोक्सीमेटली सेम है LHB के जैसे। इसके अलावा अब इसने एक्स्ट्रा क्या दिया हुआ है वंदे भारत में वो हम देखेंगे। वो जो टी पॉइंट्स है लेफ्ट साइड और राइट साइड के, जिससे सप्लाई जो है इधर की तरफ चली जाती है मेन प्रेशर वॉल्व की तरफ, वो टी पॉइंट मैं आपको दिखाऊं कहां पे लगा है। तो बिल्कुल जस्ट LV बॉक्स के पीछे पे ही जो है हमारी ये सारी डिवाइसेज जो है लगी रहेंगी। अभी मैं आपको जो है चल के दिखा देता हूँ। इसी के अंदर से एक तरफ सर्ज रिजर्वायर था, दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ सर्किट में पड़ता है प्रेशर सेंसर, जो कि TCMS पर लगातार आपको जो है इस एयर स्प्रिंग का प्रेशर दिखाता रहेगा। तो ये है वो प्रेशर सेंसर। इसी के बगल में लगा है यहाँ पर से एक टेस्ट पॉइंट, जिसको मैनुअली जो है हम जो है प्रेशर चेक यहाँ पर से कर सकते हैं। इसके बाद सप्लाई आगे बढ़ती है यहाँ पर इस तरीके से, इस लाइन से आकर आके मिलती है मीन प्रेशर वॉल्व में। तो ये जो कंपोनेंट लगा है ये है मीन प्रेशर वॉल्व, जिसमें एक तरफ से आ रही है राइट एयर स्प्रिंग की सप्लाई, एक तरफ से आ रही है लेफ्ट एयर स्प्रिंग की सप्लाई। अब इसमें और डिफरेंशियल वॉल्व में आपको बहुत सिंपल सा एक यहाँ पे क्लियरली डिफरेंशिएशन दिख रहा है कि इसमें तीन लाइंस जुड़ी हुई हैं, दो इसके इनपुट की है मीन प्रेशर वॉल्व में आ गई, और तीसरी ये लाइन इसके आउटपुट की लाइन रहेगी जो कि चली जाएगी वापस हमारे LV बॉक्स के अंदर। ये जो सबसे पतली वाली लाइन है ये चली जाती है हमारे यहाँ पर से LV बॉक्स के अंदर। अब हम समझते हैं कि मीन प्रेशर वॉल्व का फंक्शन क्या है। मैंने बताया दोनों तरफ की जो स्प्रिंग की सप्लाई है, जो एक्स्ट्रा पार्ट है LHB से, वो ये रहेगा मीन प्रेशर वॉल्व। इसका काम क्या है, हम जानते हैं कि वंदे भारत में हम बात करते रहते हैं कि भाई लोड डिपेंडेंट ब्रेकिंग है, यानी अगर कोच पे वेट ज़्यादा है तो मुझे ब्रेकिंग फोर्स ज़्यादा लगाना है, अगर कोच पे लोड कम है तो मुझे ब्रेकिंग फोर्स कम लगाना है। तो वो ठीक है, लेकिन हम कोच का लोड कैसे नापेंगे, वेट कैसे नापेंगे, कितना उस पर भार है, तो उसके लिए हम जो है इसी प्रेशर का, जो एयर स्प्रिंग का प्रेशर है उसी को कैलिब्रेट करके उसी का यूज़ कर रहे हैं। तो दोनों एयर स्प्रिंग से अलग अलग लेने की बजाय हम मानते हैं ट्रॉली से एक जो है वेट ले लो कि ट्रॉली पे एवरेज लोड कितना है। तो ट्रॉली का जो एवरेज लोड है वो दोनों एयर स्प्रिंग से उसने सप्लाई ले ली है मीन प्रेशर वॉल्व ने, और जो आउटपुट उसकी लाइन अभी मैंने आपको दिखाई वो रहेगा उसका आउटपुट की लाइन मीन प्रेशर, जो कि मीन प्रेशर रहेगा आपके दोनों एयर स्प्रिंग्स का। वो मैं न्यूमेटिक में आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि वो एवरेज वैल्यू रहेगी। इधर का प्रेशर 3.5 है, इधर का प्रेशर 4.5 है, तो उनका एवरेज कितना आएगा 4.0। तो 4.0 ये बता देगा कि भाई 4.0 बार का इस ट्रॉली पे एवरेज लोड है। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने ट्रॉली के लिए लोड लिया है तो जो ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर आएगा वो एक ट्रॉली के लिए जितने भी आपके जो चारों व्हील्स हैं उस पे इक्वल रहेगा। अब नेक्स्ट आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन। मैंने मीन प्रेशर वॉल्व को जो है ले तो लिया है, मैंने आपको दिखाया था सर्किट में कि मीन प्रेशर वॉल्व यहां से चली जाएंगी वापस जो है सप्लाई लाइन इस LV बॉक्स से जाएगी आपकी ट्रॉली 1 की, उस LV बॉक्स से आएगी ट्रॉली 2 की सप्लाई, और ये चली जाएगी वापस आपकी B02 में। अच्छा, इसको हम डायरेक्टली जो है BCU में नहीं देते। BCU में क्यों नहीं देते उसको हम आगे जो है चल के जो है देख लेंगे। एक हिंट दे देता हूँ, कंसेप्ट होता है सब्स्टिट्यूटिव लोड का। अगर फेलियर होता है तब कहाँ से लोड आएगा उसको आगे देखेंगे। पहले समझते हैं जो मेन प्रेशर है वो वापस आता है LV बॉक्स में ही जो है उसके कुछ पार्ट्स लगे हैं। आगे मिलेगा ये आपका L13, एक प्रेशर गवर्नर, और B06/1 का ये टेस्ट पॉइंट इसका है। यहाँ से आप मीन प्रेशर की एवरेज वैल्यू जो है मैनुअली मेजर कर सकते हैं। अब ये जो प्रेशर गवर्नर ये यहाँ पे लगा हुआ है ये है बहुत इंपॉर्टेंट आपके जो है एयर स्प्रिंग का प्रेशर गवर्नर। इसका काम क्या रहेगा, इसकी वैल्यू सेट है 1.8 और 1.5 पर। यानी अगर मीन प्रेशर वॉल से निकला हुआ जो प्रेशर है
उसकी वैल्यू 1.8 या 1.8 से ऊपर वो डिटेक्ट करता है तो ये मानेगा नॉर्मल कंडीशन है, सिस्टम आपकी हेल्दी स्टेट में है। लेकिन अगर प्रेशर ये डिटेक्ट कर लेता है कि 1.5 बार या उससे नीचे नीचे जो है गिर चुका है, इसका मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हैवी लीकेज है। तो जो डिटेक्शन है कि एयर स्प्रिंग फेल हो गया है वो कैसे होगा, वो यही प्रेशर गवर्नर आपको जो है TCMS को कमांड देगा कि प्रेशर 1.5 से नीचे गिर चुका है, यानी फेलियर की कंडीशन आ चुकी है। और जो ऑटोमेटिकली जो 60 KMPH होता है वो इसी के द्वारा जो है TCMS के माध्यम से किया जाता है। यहाँ तक हमने देख लिया है कि हमें दोनों ट्रॉलीज के मीन प्रेशर B02 तक मिल चुके हैं। इसके बाद यहाँ से MR की सप्लाई है B01 में, ये है B04 आइसोलेटिंग कॉक विद फीडबैक पूरे ब्रेकिंग सिस्टम सप्लाई की। इसके बाद B14 है फिल्टर, जिसके बाद ये MR सप्लाई जाएगी तीन जगह, यहाँ यहाँ यहाँ। पहले देखते हैं इस तरफ जो रहेगा पार्किंग ब्रेक्स के लिए, ये B09 है इम्पल्स वॉल्व, जिसमें दो मैग्नेट वॉल्स रहेंगी, एक पार्किंग ब्रेक अप्लाई करने को और दूसरी रिलीज करने को। आइए समझ लेते हैं पार्किंग ब्रेक्स के कंसेप्ट को। ये स्प्रिंग की वजह से लगते हैं, यानी अलग कंसेप्ट रहेगा। मानिए ये है सप्लाई MR की, जब हम DTC से पार्किंग ब्रेक अप्लाई का बटन प्रेस करते हैं तो इम्पल्स वॉल्व क्लोज रहेगा, MR की सप्लाई कैलिपर्स में नहीं जाएगी और स्प्रिंग की वजह से पार्किंग ब्रेक्स लग जाएंगे। वहीं जब हम DTC से पार्किंग ब्रेक्स रिलीज का बटन प्रेस करते हैं तो इम्पल्स वॉल्व ओपन होगी, MR की सप्लाई कैलिपर्स में चली जाएगी और स्प्रिंग को ढीला कर पार्किंग ब्रेक्स हो जाएंगे रिलीज। यानी इम्पल्स वॉल्व के मैग्नेट्स को रिलीज कमांड मिलने पर ये ओपन होगा और सप्लाई जाएगी आगे, यहाँ B12/1 पर जो है डबल चेक वॉल्व। इसके दोनों तरफ से आते प्रेशर में जो ज्यादा होगा वही चला जाएगा आगे, तो इस तरफ से जो प्रेशर आएगा उसे हम एंटी कंपाउंडिंग के सर्किट में बाद में समझ लेंगे। अभी बस डबल चेक वॉल्व के आउटलेट से निकला ये प्रेशर जाएगा B05 में जो है आइसोलेटिंग कॉक पार्किंग ब्रेक्स की, जिसके बाद यहाँ B11 है टेस्ट पॉइंट और B10 है प्रेशर गवर्नर, जिसकी सेटिंग 4.5 से 3.5 पर की गई है। यानी अगर पार्किंग ब्रेक्स के सर्किट में प्रेशर 4.5 बार से ज्यादा रहेगा तो पार्किंग ब्रेक्स को रिलीज दिखाएगा, और अगर प्रेशर 3.5 बार से कम रहेगा तो इनसफिशियंट प्रेशर मानकर पार्किंग ब्रेक्स को अप्लाइड ही दिखाएगा। फिर ये सप्लाई यहाँ से निकलकर बढ़ जाएगी यहाँ Bogie 1 के लिए और यहाँ Bogie 2 के लिए। वापिस आते हैं यहाँ इस तरफ की सप्लाई पार्किंग ब्रेक्स में हमने देख ली है, यहाँ से निकली सप्लाई आगे जाएगी B01 चेक वॉल्व में, इसके बाद B01 से बाहर आकर जाएगी B05 पर जो है ब्रेक रिजर्वायर 75 लीटर्स का। यहाँ अगर हम देखें तो ये ब्रांच लाइन केवल DTC कोचेस में रहेगी, जो कि ड्राइवर डेस्क में मौजूद 12 गेज जिसमें DTC का ब्रेक रिजर्वायर और ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर दिखता है उसके लिए ब्रेक रिजर्वायर की सप्लाई लेगा। वापस आते हैं यहाँ जिससे निकला ये तीसरा प्रेशर चला जाता है यहाँ B02 में। हम पहले से समझ लेते हैं कि जो पार्किंग ब्रेक्स के लिए सिस्टम है, जो सप्लाई है वो कहां से आती है, और नॉट जस्ट पार्किंग ब्रेक, वहीं से जो है सप्लाई आपके आने वाली है आपके जो है नॉर्मल ब्रेक्स के लिए भी, और जो ब्रेकिंग का रिजर्वायर है उसके लिए भी सप्लाई आने वाली है। तो मैं फिर से आपको चल के दिखा देता हूं। अब मैं दोबारा से जो है क्या है, जो पार्किंग ब्रेक्स वाला सिस्टम मैंने आपको दिखाया था कि MR से एक दोबारा जो है एक सप्लाई यहां पर से ले लेता हूं, तो वो सप्लाई कहां पे है देखिए, ये रहा आपका पोर्ट नंबर 1। तो यानी ये जो MR की जो इनपुट है यहां पे जो पोर्ट नंबर 1 पे जो आ रहा है, ये रहेगा हमारा जो ब्रेकिंग सिस्टम के जो पार्ट वाली जो सप्लाई है, जहां से पार्किंग ब्रेक्स के लिए भी मैं लेने वाला हूं, वो इनपुट ये रहेगा। अब ब्रेकिंग सिस्टम के हमारे सर्किट्स के लिए भी हमने जो है एक और MR की सप्लाई ले ली है। वापस आते हैं B01 बॉक्स के अंदर, इसके पार्ट में जो सबसे पहले पढ़ने वाला कंपोनेंट था वो था आपका B04। ये वो आइसोलेटिंग कॉक है विद फीडबैक, यानी अगर ये आइसोलेट होती है तो वो आपको वहां पे शो करेगा
और अगर आप देखें तो वो दिखाता है कि कोच की जो डायरेक्ट ब्रेकिंग की जो कोक है वो ये वाली आइसोलेट करने पे दिखाता है। इसके बाद ये एक्चुअली जो अभी आने वाला सर्किट मैं आपको बताऊंगा, तो सिंपल सी बात है कि उस पूरे ही सर्किट को MR की सप्लाई जहां से मिलने वाली है, चाहे वो उसके रिजर्वायर है, चाहे पार्किंग ब्रेक्स है, सभी को ये आइसोलेट कर देगा। इसे समझ लेते हैं। इसके बाद पड़ेगा इसके पाथ पे B14। ये एक सिंपल सा एक एयर फिल्टर कॉम्पोनेंट ही है। इसके बाद जो तीन जगह जा रही है उनमें से एक जगह जा रही है पार्किंग ब्रेक्स के लिए। पार्किंग ब्रेक्स के लिए जो अगला कॉम्पोनेंट पड़ता है वो रहेगा B09 इम्पल्स वॉल्व। पूरी की पूरी ये हमारी इम्पल्स वॉल्व है जिसपे दो यहाँ पर से सोलेनाइड्स दी हुई हैं, एक चार्जिंग की है, एक वेंटिंग की है। अब पार्किंग ब्रेक्स को सबसे पहले तो कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है क्लियर करना कि पार्किंग ब्रेक्स हमारे नॉर्मल ब्रेक्स की तरह नहीं है। इसमें क्या है, कंसेप्ट बिल्कुल उल्टा है, यानी जब प्रेशर जाएगा तो पार्किंग ब्रेक्स हमारे रिलीज रहेंगे। इसको ऐसा समझे कि जो पार्किंग ब्रेक्स हैं वो आपके स्प्रिंग की वजह से हमेशा दबे हुए हैं, वो स्प्रिंग लोडेड रहते हैं। जब आप उसमें एयर दे रहे हैं, कंप्रेस्ड एयर की सप्लाई दे रहे हैं, तो वो स्प्रिंग को दूर कर देता है। यानी जब सप्लाई जाएगी तो आपके वो कैलिपर्स रिलीज रहेंगे, और अगर आप उससे सप्लाई काट देंगे तो वो कैलिपर्स लग जाएंगे। जब हम ड्राइवर कैबिन के CRW पैनल से उसको कमांड देते हैं कि रिलीज करो, जब रिलीज का पुश बटन दबाते हैं तो दोनों में से जो रिलीजिंग वाली जो सोलेनाइड है वो ऑपरेट हो जाएगी, और जो है रिलीज करने के लिए इसका मतलब क्या है, वो ऑपरेट होके जो MR का प्रेशर इस पे आ रहा था वो आगे जो है भेज देगा। जब मैं अप्लाई की कमांड देता हूँ तो अप्लाई वाली जो सोलेनाइड है वो MR के प्रेशर को कट ऑफ कर देगी, आगे नहीं भेजेगी। अगर पार्किंग ब्रेक में MR की सप्लाई नहीं आ रही है तो स्प्रिंग की वजह से वो जो है क्या हो जाएगा, अप्लाइड कंडीशन में आ जाएगा। अब इम्पल्स वॉल्व क्यों खास है, क्योंकि अगर मैं इस पे यहाँ पर से आपको दिखाऊँ, इसमें जो है दो मैनुअली जो है यहाँ पर से पुश बटन इस पे दिए हुए हैं कि अगर आप मैनुअली इसको जो है यहाँ से एयर के सप्लाई उसमें देना चाहते हैं या उसको जो है रिलीज करना चाहते हैं। दोनों सोलेनाइड के बटन को जो है मैनुअली भी यहाँ पे हम ऑपरेट करा सकते हैं। दोनों मैंने आपको जो है बटन दिखा दिए, पुश बटन, अगर आपको जो है पार्किंग ब्रेक यहीं से अप्लाई करना है, यहीं से रिलीज करना है, दोनों काम आप इसके अंदर से कर सकते हैं। इम्पल्स वॉल्व से निकलते ही मैं डायरेक्टली पार्किंग ब्रेक्स के लिए सप्लाई दे सकता था, लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक पड़ता है कॉम्पोनेंट B12/1। ये B12/1 है, डबल चेक वॉल्व। डबल चेक वॉल्व, अब इसको भी हम जो है आगे चल के देख लेंगे कि ये डबल चेक वॉल्व क्यों दी हुई है। बस अभी के लिए एक हिंट दे देता हूँ, अगर आपने पार्किंग ब्रेक्स लगा दिए हैं और उस कैलिपर में अगर मैं होल्डिंग ब्रेक भी लगा दूँ तो उसका तो ब्रेक सिलेंडर प्रेशर जो है, ब्रेक्स पे जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे कंसेप्ट आता है एंटी कंपाउंडिंग का, यानी दोनों ब्रेक्स मिलके नहीं लगने हैं, एक बारी में एक ही ब्रेक लगेगा। तो वो जो अंतर है वो कहाँ से आता है, वो इसी चेक वॉल्व से आएगा। इस चेक वॉल्व को आगे चल के हम देख लेंगे, अभी के लिए बस हम इतना समझेंगे कि इम्पल्स वॉल्व से निकल कर जो सप्लाई आती है वो आगे चली जाएगी। हमारा जो आइसोलेटिंग कॉक हमने दिखाई थी उसकी पार्किंग ब्रेक्स की B05, ये है वो आइसोलेटिंग कॉक जो केवल पार्किंग ब्रेक को आइसोलेट करने के काम आएगी। इस पे ऊपर एक कनेक्टर लगा है, यानी ये विद फीडबैक है। अगर आप इसे आइसोलेट करते हैं तो पार्किंग ब्रेक आइसोलेशन का वहाँ पे जो है जो डिस्प्ले पे दिखाया हुआ है वो वहाँ पे ग्लो करने लग जाएगा, और पार्किंग ब्रेक आपको जो है आइसोलेट करने के बाद इस पे सप्लाई नहीं जाएगी आगे। तो एक बार आपको उसको मैन्युअली भी जो है कैलिपर को जो है रिलीज कर लेना है, उसके बाद उसमें जो है कभी भी जो है पार्किंग ब्रेक नहीं लगेंगे, उसका स्प्रिंग हमेशा टेंशन फ्री रहेगा। इसके बाद सर्किट जो आइसोलेटिंग कॉक है उससे निकल के एक टेस्ट पॉइंट जो बी लेवल लगा है वो ये है। यहाँ से आप इसका मैन्युअली प्रेशर देख सकते हैं कि अगर आपके पार्किंग ब्रेक्स रिलीज नहीं हो रहे हैं तो यहाँ से आप चेक करके देख सकते हैं कि MR का प्रेशर उसमें जा भी रहा है या नहीं जा रहा है। इसके बाद इस पे लगा है एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेशर गवर्नर B10। B10 की वैल्यू सेट है अप्रोक्स 4.5 से 3.5 के बीच। तो अब ये प्रेशर गवर्नर क्या करता है, 4.5 बार से ज़्यादा का जब उस पर प्रेशर जा रहा है तो सिस्टम को नॉर्मल समझता है कि अभी पार्किंग ब्रेक रिलीज है। लेकिन अगर वो प्रेशर 3.5 बार से नीचे, जैसे हम बोलते हैं कि पार्किंग ब्रेक अप्लाई करने के लिए मुझे MR की सप्लाई काटनी है, डेफिनेटली उसको जीरो करना है,
लेकिन अगर MR की वैल्यू बहुत ज़्यादा लो है, उस कंडीशन में भी वो स्प्रिंग का जो फोर्स है उसको ओवरकम नहीं कर पाएगा। ऐसी कंडीशन में अगर पार्किंग ब्रेक्स में जाते हुए जो MR का प्रेशर है उसकी वैल्यू 3.5 से नीचे हो जाती है, तो ये प्रेशर गवर्नर कमांड देगा TCMS को कि पार्किंग ब्रेक अभी लगे हुए हैं। यानी जो वो शो करता है कि पार्किंग ब्रेक रिलीज और पार्किंग ब्रेक अप्लाइड, तो उसको कैसे पता चल रहा है? उसको इससे पता चल रहा है कि अगर 4.5 bar से ऊपर का है प्रेशर तो वो रिलीज मानेगा, अगर 3.5 bar से कम का है तो वो उसको अप्लाइड कंडीशन में ही मानेगा। इसके बाद सप्लाई जो है आगे जाके चली जाती है डायरेक्टली हमारे बोगी 1 के लिए और बोगी 2 के लिए, और उसमें भी आपको पता है कि एक एक्सल पे केवल एक ही व्हील पर जो है पार्किंग ब्रेक्स हैं, और दोनों एक्सल पे जो पार्किंग ब्रेक्स हैं वो ऑल्टरनेट व्हील्स पर रहेंगे। अब जो तीन में से हम एक जो साइड में जो जा रहा है उसको देख लेते हैं। तो अगला कंपोनेंट वहाँ पे हमने दिखाया था B01। B01 एक चेक वाल्व है जो कि ये लगी है। चेक वाल्व मतलब केवल एक ही डायरेक्शन में जो है एक NRB हो गई जो है एक ही डायरेक्शन में वो फ्लो को अलाउ कर रही है, और रिवर्स डायरेक्शन में अगर कोई जो है बैक फ्लो आना चाह रहा है तो उसको जो है बिल्कुल अलाउ नहीं करता है। तो चेक वाल्व के बाद हमने देखा था सप्लाई चली जाती है एक रिजर्वायर में जिसको हम बोल रहे थे ब्रेक रिजर्वायर। 75 लीटर्स का वो रिजर्वायर है। तो इसके बाद पीछे से B01 से निकल के सप्लाई चली जाएगी हमारा जो है ब्रेक रिजर्वायर में। तो आइए देख लेते हैं, ये रहेगा हमारा ब्रेक रिजर्वायर। 75 लीटर्स का है ये, जो एयर स्प्रिंग का जो रिजर्वायर है उसके बगल में मैंने आपको दिखाया था ये लगा हुआ है, और डिफरेंशिएशन भी ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसके इस तरफ भी जो है एक न्यूमेटिक लाइन है और अंदर की तरफ भी जो है एक न्यूमेटिक लाइन है। तो क्लियरली इसको आइडेंटिफाई कर लेना है कि एक इसका इनलेट है और एक तरफ इसका आउटलेट रहेगा। अब जो ये ब्रेक रिजर्वायर है इसके आउटपुट का सर्किट किस तरीके से जो है कहाँ कहाँ जाता है उसको आगे देख लेंगे। पहले वापस आते हैं, जो तीन पाथ से उसमें से पार्किंग ब्रेक की तरफ एक चला गया, एक इसकी तरफ हमारे जो है टैंक की तरफ आ जाता है जिसके जो है रिजर्वायर के तौर पे हम आगे जो है यूज़ कर लेंगे। जो तीसरा जो MR की जो लाइव लाइन जा रही है वो कहाँ जा रही है और क्यों जा रही है उसको देखने के लिए हम खोल देते हैं अपना B02 बॉक्स। अब B02 में आ चुके थे मीन प्रेशर्स दोनों बोगीज के। अब हम समझेंगे यहाँ सब्स्टिट्यूटिव लोड का कंसेप्ट। सबसे पहले यहाँ B18 है PRV जो 6 bar पर सेट है। 6 bar का ये प्रेशर चला जाएगा यहाँ बोगी 2 के लोड के लिए, यहाँ बोगी 1 के लोड के लिए। ये सप्लाई जाएगी L19/1 पिस्टन वॉल्व में, जिसमें इस तरफ से आता है बोगी 1 का मीन प्रेशर। अब देखते हैं पिस्टन वॉल्व की वर्किंग। पहला केस जब एयर स्प्रिंग हेल्दी है, पिस्टन वॉल्व के इस तरफ आएगी 6 bar की सप्लाई और यहाँ से आएगी सप्लाई बोगी 1 के मीन प्रेशर की, जो पिस्टन वॉल्व के सिलेंडर में जाएगी और पिस्टन वॉल्व रहेगी क्लोज्ड, यानी यहाँ कोई सप्लाई नहीं जाएगी। आगे होती है डबल चेक वॉल्व, जिस पर इस तरफ से मीन प्रेशर आएगा और यहाँ प्रेशर ना होने से यही प्रेशर इसके आउटलेट से यहाँ निकलेगा, जिसे कहेंगे लोड, जो बराबर होगा बोगी के मीन प्रेशर के। अब दूसरे केस में जब एयर स्प्रिंग फेल होंगे, पिस्टन वॉल्व के इस तरफ आएगी 6 bar की सप्लाई और यहाँ फेलियर की वजह से कोई मीन प्रेशर नहीं होगा पिस्टन के ऊपर, तो पिस्टन वॉल्व ओपन रहेगी। तो आगे लगी डबल चेक वॉल्व तक आ जाएगा 6 bar का प्रेशर, जिसके इस साइड से कोई सप्लाई नहीं है तो यही प्रेशर चला जाएगा आउटलेट में, यानी लोड इस केस में रहेगा 6 bar। इसके बाद ये डबल चेक वॉल्व से निकला प्रेशर चला जाएगा BCU1 में बोगी 1 का लोड बनके, इसी तरह BCU2 में आ जाएगा बोगी 2 का लोड भी। जो B01 से जो तीन लाइंस निकल रही थी, जो तीसरी वाली लाइन है वो कहाँ चली जाती है तो वो हम बताएंगे। उससे पहले मैंने अभी आपको बताया था एक कंसेप्ट सब्स्टिट्यूटिव लोड का। B02 बॉक्स के अंदर जो मीन प्रेशर था बोगी 1 का और बोगी 2 का वो आ जाता है। अब यहाँ पे जो कंसेप्ट आता है सब्स्टिट्यूटिव लोड, यानी लेट अस अज्यूम एक एयर स्प्रिंग कंप्लीटली बस्ट हो गया, तो उस वाली ट्रॉली को या तो आप आइसोलेट ही कर देंगे या तो मान लीजिए दोनों जो है खराब हो चुका है। मतलब अगर एक किसी ट्रॉली से फेलियर की कंडीशन में या किसी और कंडीशन में भी अगर उस ट्रॉली से कोई लोड नहीं आ रहा है, लीकेज है, हैवी लीकेज है, प्रेशर 0 दिखा देगा, 0.5 दिखा देगा, बहुत कम जो है वो प्रेशर दिखाएगा। तो अगर बिल्कुल बहुत ही इस तरीके से कम प्रेशर जो है वहाँ से लीकेज हो चुका है,
जीरो प्रेशर जो है उस वाले सर्किट से आ रहा है, तो उसका ये मतलब तो नहीं है कि जो है कोच में लोड नहीं है। सिस्टम तो यही समझेगा कि भाई जितना लोड बढ़ेगा उतना प्रेशर बढ़ता चला जाएगा एयर स्प्रिंग में। लेकिन अगर एयर स्प्रिंग का प्रेशर जो है बिल्कुल जो है जीरो है, इसका ये मतलब नहीं है कि जो है लोड गाड़ी में जीरो है। आपका अगर एयर स्प्रिंग फेलियर होता है, ये वो वाली कंडीशन है। तो फेलियर वाली कंडीशन में जब एयर स्प्रिंग लोड नहीं दे पा रहा है, उस समय जो लोड उसकी जगह जो है आने वाला है उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूटिव लोड। 01 से जो तीसरा पाथ निकलता है वो आता है B02 में। तो इधर देख लेंगे कि B02 में ऑलरेडी हमारे पास मीन प्रेशर की सप्लाई आ चुकी है। वो जो B01 से सप्लाई आती है वो सबसे पहले आती है यहाँ पे B18 पे, जो कि एक है PRV। ये PRV 6 बार पर सेट है। ये जो स्क्रू जो बोल्ट यहाँ पर से दिख रहा है आपको, इससे मैं किसी भी PRV का जो प्रेशर है उसको सेट कर सकता हूँ। अगर मैं इसे टाइट कर दूंगा तो प्रेशर जो है ये इसका जो आगे जाने वाला प्रेशर है वो 7 बार 8 बार हो जाएगा। तो इस PRV को आपने नहीं छेड़ना है, सिस्टम के लिए इसको 6 बार पर ही सेट किया गया है। 6 बार इसलिए क्योंकि 6 बार मैक्सिमम लोड की जो है अप्रोक्सीमेटली सफिशेंट रहेगा। अगर समय मिलता है तो एक वीडियो हम बनाएंगे जो ट्रबल शूटिंग का वीडियो रहेगा कि अप्रोक्सीमेटली हमारा जो है चलती कंडीशन में जब लोडेड कंडीशन में रहती है उस समय एयर स्प्रिंग का प्रेशर कितना रहता है। और अगर आप देखेंगे तो वैल्यू करीबन 5.1 के अप्रोक्सी जो है मैक्सिमम जाती है। इसलिए जो है यहाँ पे पहले हमने जो है 6 बार को उसको रिड्यूस कर लिया क्योंकि हमारा काम इतने से हो जाएगा। इस PRV से निकला हुआ प्रेशर जो है 2 पार्ट में बढ़ जाएगा। एक चला जाएगा हमारा Bogie 1 के लिए और एक चला जाएगा Bogie 2 के कंट्रोलिंग सर्किट्स के लिए। कंट्रोलिंग सर्किट्स का मैं अगर बात कर रहा हूँ तो पिस्टन वॉल और जो है चेक वॉल का पेयर जो है यहाँ पर से दिख रहा है। तो मैं केवल एक बोगी के लिए बात कर लेता हूँ कि मतलब उस बोगी का मैं मेन प्रेशर ले लेता हूँ पिस्टन वॉल के ऊपर सिग्नल के तौर पर, जो पिस्टन वॉल को ऑपरेट कराएगा। पिस्टन वॉल को ऑपरेट कराएगा मतलब ये है MR का प्रेशर अगर पिस्टन वॉल के ऊपर है, पिस्टन की जो है चैम्बर में है, तो सिंपल सी बात है वॉल रहेगी क्लोज और यहाँ से आगे जाने वाला प्रेशर आगे नहीं जाएगा। लेकिन जो फेलियर वाला केस है, मान लीजिए जो है एयर स्प्रिंग से प्रेशर नहीं आ रहा है तो पिस्टन वॉल पे कुछ रहेगा नहीं, उसके सिग्नल पर प्रेशर रहेगा नहीं, तो पिस्टन वॉल ओपन रहेगी और MR का प्रेशर जो है आगे चला जाएगा। तो पिस्टन वॉल का काम है चुनना। जो मैं बात कर रहा हूँ कि फेलियर की कंडीशन में इस जो 6 बार का प्रेशर है वो आगे भेज देगा लोड को जो है प्रेशर बना के, लोड सिग्नल बना के। और अगर लेकिन MR की सप्लाई है पिस्टन के ऊपर आ रही है, पिस्टन उस वॉल को बंद रखेगा, तो उस कंडीशन में वो क्या करेगा, इसकी सप्लाई को वहीं पे रोक के रखेगा। तो नॉर्मली हम ये समझेंगे कि पिस्टन वॉल क्लोज ही रहती है, ये जो सब्स्टिट्यूटिव लोड है वो रुका रहेगा, ऑन होगा केवल जब आपकी एयर स्प्रिंग की सप्लाई फेल हो जाएगी। तो मेन प्रेशर को हमने डायरेक्टली जो है लोड नहीं बनाया, पहले हमने उसको B02 बॉक्स में लिया और वहाँ से उसको एक सब्स्टिट्यूटिव लोड के जो है सर्किट में डाल दिया जिसमें पिस्टन वॉल और चेक वॉल लगी है। पिस्टन वॉल नॉर्मली जो है आपका जो है क्लोज रहेगा अगर आपके स्प्रिंग हेल्दी हैं और सब्स्टिट्यूटिव लोड आगे नहीं जाएगा, और चेक वॉल के माध्यम से जो है वही मेन प्रेशर आपका आगे चला जाएगा लोड बन के PCO बॉक्स में। B03 बॉक्स जिसको जो है BCU1 भी बोल लेता हूँ मैं, एक BCU एक बोगी के ब्रेकिंग सर्किट के लिए कंट्रोल करेगा। तो जो लोड है अब फाइनली जो है BCU में चला जाएगा। तो लोड हमने जो है BCU को बता दिया है कि कितना रहेगा। आज की इस वीडियो में हमने देख लिया है सबसे पहले जो सप्लाई आती है वो एयर स्प्रिंग में आती है, कैसे वहाँ से जो है मेन प्रेशर क्रिएट होता है और उसको डायरेक्टली एज अ लोड में यूज़ ना करके एक सब्स्टिट्यूटिव लोड को भी उस पर जोड़ देता हूँ। फिर वहाँ से जो भी हमारे पास कंडीशन है फेलियर नहीं है उसको मैं एज अ लोड जो है BCU में दे दूंगा। हमने देख लिया है पार्किंग ब्रेक का जो है पूरा सर्किट। इसके अलावा हमने जो है जो ब्रेक रिजर्वायर है 75 लीटर का उसको भी जो है चार्ज कर दिया था कि अब जो है उसके ब्रेक रिजर्वायर के पीछे से जो सप्लाई है, जो हमारे BCU बॉक्सेज हैं BCU में किस तरीके से जो है ब्रेकिंग लगती है उसको हम कोशिश करेंगे अगले पार्ट में कंप्लीट करने की। तो इस तरीके से हमारा जो न्यूमेटिक सर्किट है, जो ब्रेकिंग के सर्किट है, वो पूरा हो जाएगा कंप्लीट। वीडियो बड़ी होने के कारण हम उसको इस वीडियो में कवर नहीं कर पा रहे हैं, अभी हम केवल इतना ही पार्ट कवर कर पा रहे हैं और नेक्स्ट पार्ट में हमारा जो है पूरा न्यूमेटिक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए जो एंटी कंपाउंडिंग का कंसेप्ट है अगर आप लोग पहले से समझ पाए कोशिश करें तो बहुत बेहतर हो जाएगा उसको समझना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।